चलिए अब इनकी कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले इनके दशम भाव से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चलिए ये टूल बार नहीं चालू करता हूँ क्योंकि तो नक्षत्र नहीं दिखेंगे। देखो, दशम भाव का स्वामी कौन है? मंगल। कौन है? तो मंगल मंगल का नक्षत्र स्वामी देखो कौन है? केतु। केतु केतु देखो, दशम भाव का स्वामी मंगल है जो मघा नक्षत्र में है। मघा का स्वामी केतु होता है। अब केतु केतु का बेटा देखो आठवें। केतु आठवें भाव ज्योतिष हाँ देखो, आठवें भाव से ज्योतिष देखते हैं। आठवें भाव से देखते हैं। ज्योतिष देखते हैं, सॉफ्टवेयर देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, तो इनके काम धंधों में इनको सफलता मिलेगी। लेकिन क्या केतु खुद एस्ट्रोलॉजी होता है और आठवां भाव भी एस्ट्रोलॉजी होता है? तो इनको ये ज्योतिष का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? हाँ, ज्योतिष का यहां तक आया सबको समझ में? अब सब जने नोट्स के रूप में लिख लो, लिख लो, लिख लो। दसवें भाव का स्वामी मंगल है। आप भी लिखते जाओ, जिसकी पत्रिका वो भी लिखे। दसवें का स्वामी मंगल है जो मघा नक्षत्र में, जो मंगा नक्षत्र में जिसका मघा का स्वामी केतु होता है। मघा का स्वामी कुंडली होता है। में केतु आठवें भाव में बैठा है। कुंडली में केतु आठवें भाव में बैठे हैं। तो आठवें भाव से ज्योतिष का काम देखते हैं। आठवें भाव से, ज्योतिष का काम देखते हैं। ज्योतिष और केतु से भी ज्योतिष का काम देखते हैं। केतु से भी तो का काम देखते हैं। इनको ज्योतिष करना चाहिए। इनको ज्योतिष करना चाहिए। चलिए, सबको समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब चलिए, अब इनके चौथे भाव का देखते हैं। चौथे भाव का स्वामी कौन है? सब जने देखो, शुक्र शुक्र। हाँ, अब देखो, शुक्र सर। शुक्र शुक्र कौन से नक्षत्र में है? चित्रा मार्स चित्रा चित्रा। हाँ जी, लिख लो। हाँ, चित्रा मतलब मंगल के नक्षत्र में ना। जी अब देखो, हाँ, मंगल कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में, और बैठा है गुरु के साथ। किसके साथ बैठा है? हाँ, गुरु के साथ। तुम मुझे बताइए, चौथे भाव का ये जो मंगल है गुरु के साथ बैठा है, तो आपका मकान बड़ा हाँ जी बड़ा है। है ना? मकान देखो, मकान अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। हाँ जी सर। सुंदर भी है मकान। हाँ, मकान हाँ सुंदर सुंदर भी भी है, है। दोनों सुंदर भी है, और उसमें जमीन भी है, उसमें थोड़ा गार्डन वार्डन जमीन भी है। साइड गार्डन है सर। आगे पीछे हाँ दोनों साइड गार्डन है। जी, हाँ और जी, अच्छा सा मुझे डेकोरेट हाँ भी कर रखा है इन्होंने अंदर से। जी, हाँ। जुपिटर वीनस की नक्षत्र में है ना। हाँ जी, हाँ डेकोरेटेड भी है। जी, हाँ जी, अच्छा चलिए। हाँ, अब सब जने नोट्स लिख लीजिए, लिख लो। जी सर। चौथे भाव का स्वामी शुक्र है। चौथे भाव का स्वामी, शुक्र है मंगल। और शुक्र का नक्षत्र स्वामी कौन है? नहीं, हाँ नहीं, अब नक्षत्र का नाम भी बोलिए। चित्रा सॉरी सर क्योंकि चित्रा। अभी, हाँ, मुझे बोलने दीजिए, ऐसे स्टूडेंट मतलब अभी बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं। लिख लीजिए फिर से। चौथे भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र चित्रा नक्षत्र में, शुक्र चित्रा चित्रा नक्षत्र में। चित्रा का स्वामी मंगल होता है। चित्रा का स्वामी कौन मंगल होता है? मंगल। मंगल देखो, मंगल गुरु के साथ बैठा है, इसलिए मकान बड़ा होगा। मकान देखो, बड़ा होगा। नक्षत्र स्वामी चूंकि मंगल है, तो मकान में जमीन भी होगी। जमीन मतलब जो खुली जमीन जैसे होती है ना, जिसमें गार्डन वार्डन हो, ठीक है। तो जी देखो, मकान में खुली जमीन भी होगी। क्लियर यहां तक? यस फिर लिखो, मकान राजधानी में होगा। मकान ये राजधानी में या राजधानी के पास में होगा, क्योंकि मंगल सिंह राशि में बैठा है। मंगल, हाँ, सिंह राशि में बैठे। ठीक सर। सिंह राशि से राजधानी देखते हैं। सिंह राशि से, राजधानी देखते और थोड़ा गुरु भी राजधानी को रिप्रेजेंट करता है। गुरु भी, यहां राजधानी को रिप्रेजेंट तक क्लियर? हाँ, अच्छा, मुझे बताइए, चलिए, यहां तक क्लियर? जी। अच्छा, ये जो मकान है, आपने सेकेंड हैंड लिया है? नहीं, जिसमें हम रह रहे हैं वो तो कंपनी का है। हाँ, जो हमारा अपना मकान था वो जिसमें मैं बॉर्न हुई थी वो भी बहुत बड़ा था। उसमें भी गार्डन था। जी, किराए के मकान में रहे? हेलो, हाँ जी रही थी। हाँ हाँ, जी अब हाँ जी मुझे रही कैसे थी। मालूम? लिख लीजिए, तीसरे भाव में शनि बैठे तो पता व्यक्ति नहीं किराए के मकान में अवश्य रहता है। किराए के मकान में, हमेशा रहता है। ओके अच्छा, घर के पास दुर्गा मंदिर रहा है कभी?
घर के पास नहीं, एकदम पास तो नहीं है। नहीं मतलब थोड़ी दूर पे, एकदम घर से चिपक के थोड़ी रहेगा। अच्छा दुर्गा मंदिर नहीं याद है, नहीं। हनुमान अच्छा जब आप बात करते हैं तो हाथों को मंदिर, ज्यादा, हनुमान मंदिर। अच्छा हनुमान मंदिर है, ओके। अच्छा जब आप बात करते हैं तो हाथों को ज्यादा हिलाते हैं, हाँ जी, है ना, लिख लो। तीसरे भाव में शनि बैठे हैं तो व्यक्ति बात करते करते अपनी हैंड मूवमेंट ज्यादा करता है, हैंड मूवमेंट्स। ज्यादा करता और देखो हनुमान मंदिर कैसे आ गया, ये देखो तीसरे भाव में, लिखो तीसरे भाव में मंगल की राशि है और मंगल का त्रिकोणी दृष्टि है, मंगल की देखिए, दृष्टि है। मंगल की मेष राशि है और हाँ मंगल की जी, त्रिकोणी दृष्टि है, इसलिए घर के पास हनुमान मंदिर। आया समझे? जी हाँ बिल्कुल क्लियर सर। चलिए अब दूसरा मैटर देखते हैं। अभी देखिए अब चूंकि रिकॉर्डिंग है ना, इसलिए संतान का नहीं देखेंगे अपन किसी का भी। हाँ अभी संतान का छोड़ेंगे। अब आ जाइए छठे भाव पे। कौन से भाव पे? छठे भाव पर छठे भाव में कौन सी राशि है, देखिए सब जने। हाँ कर्क, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा किसके नक्षत्र में, देखिए हाँ उत्तरा फागुनी, सूर्य के नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी। लिख लिख लीजिए। तो देखो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, अब सूर्य कहाँ बैठा है सब जने देखो। सूर्य 8th हाउस में। हाँ सूर्य 8th हाउस में बैठा है, तो आपको सिर दर्द, एसिडिटी या ब्लड प्रेशर या आंखों में प्रॉब्लम, इनमें से कुछ है? सर सिर दर्द और एसिडिटी सिर बस। दर्द और एसिडिटी है ना। हाँ हाँ जी, तो आप सब जने नोट्स के रूप में लिखो, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है, छठे भाव का स्वामी, चंद्रमा है, और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य 8वें भाव में बैठा है। सूर्य देखो भाव में बैठा है। 8वें भाव में बैठा है, इसलिए व्यक्ति को सिर दर्द एसिडिटी की समस्या रहेगी। यहां तक क्लियर? जी सर। अच्छा साइनस भी है, साइनस, नहीं सर, ओके। क्योंकि चंद्र केतु भी बैठे हैं, दिख रहे हैं आपको चंद्र केतु सूर्य के साथ? हाँ हाँ जी, चंद्र केतु साइनस होते हैं। चलिए नहीं है कोई बात नहीं, अब चलो ओके आगे चले अपन। हाँ जी। हाँ जी अब बताओ कौन से भाव का बताएं, आप ही बताओ तो उस भाव पे चलेंगे अपन। सर एक तो 9th का बता दीजिए और 12th का बता दीजिए, और पोस्ट का भी बताइए ना, 5th हाउस से हम पोस्ट भी देखते हैं। हाँ जी तो नहीं पोस्ट तो लिख लो, लिखो 5वें भाव नहीं, लेकिन 10th का स्वामी 5th पे आना चाहिए ना। अब वो ऐसा थोड़ी कि 5th का स्वामी तो संतान भी होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हाँ वो गलत प्रेडिक्शन है, तो अपन 10th हाउस का स्वामी अपन ने देखा था ना अभी, कौन था? हाँ वो अष्टम भाव में बैठा था, तो अष्टम भाव तो कोई पोस्ट के होती नहीं है। हाँ लेकिन चलो 5th हाउस से भी चेक करते हैं। देखो 5th हाउस का स्वामी कौन है, बुध। कौन है चित्रा अब बुध का नक्षत्र स्वामी, बताइए कौन है? नक्षत्र में और रहस्य का क्या मार्ग, है? हाँ चित्रा चित्रा तो मंगल। लिखो, हाँ जी बुध का नक्षत्र स्वामी मंगल है, हाँ जी, और मंगल मंगल बैठा है सिंह राशि में और गुरु के साथ बैठा है, और पांचवी राशि में बैठा है, तो आप किसी पोस्ट पे हैं? नहीं सर, बस यही काम करती हूँ जो करती हूँ। अच्छा तो ओके तो कब पोस्ट पे नहीं रहे? देखो इनको ये पोस्ट पे क्यों नहीं रहे मालूम है, मतलब पोस्ट पे क्यों नहीं है, लिख लो। 10वें भाव का संबंध 5वें भाव से होना चाहिए, 10वें भाव का संबंध, पांचवें भाव से होना चाहिए, तो व्यक्ति को पोस्ट मिलती है, तो व्यक्ति को पोस्ट मिलती है। तो देखो इनकी कुंडली में 10वें का संबंध 5वें से नहीं है, 5वें से, यहां नहीं है, तक क्लियर? क्लियर हो गया सर। सर ऐसे नहीं देखेंगे कि मंगल का संबंध बुध से तो हो गया, कहाँ पे बुध का है? नक्षत्र से। हाँ हाँ जी है ना, आपके पत्रिका में योग था, लेकिन आपने पोस्ट के लिए नौकरी करनी चाहिए, रेगुलर ऑफिस जाना चाहिए, तब ये बातें लागू होती है, ठीक है। हाँ जी 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 एकदम ऐसा वो शेख चिल्ली टाइप नहीं कि मुझे ये पोस्ट मिल गई, मुझे वो सर नहीं, मैं नौकरी टीचर का। थी पहले। हाँ जी चलिए अब नवम नवम भाव देखते हैं। देखो नवम भाव में शुक्र बुध बैठे हैं, कौन बैठे हैं? तो इनका भाग्योदय ऐसे व्यक्ति से होगा जिसका नाम कृष्ण भगवान के नाम पे, जिसका नाम किसके नाम पे, कृष्ण भगवान के नाम पे। शुक्र बुध कृष्ण भगवान होते हैं।